हेलो एवरीवन आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन क्यूब टेक चैनल तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स की कैटेगरी ढूंढ सकते हो ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्योंकि जब आप एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको भी वहां पर अपनी कैटेगरी प्राइमरी एडिशनल कैटेगरी डालनी पड़ती है तो ऐसे में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड या फिर हमारे क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड क्या परफेक्ट कैटेगरी है तो उस सिचुएशन में हम अपने कॉम्पिटिटर्स से हेल्प ले सकते हैं अब कॉम्पिटिटर्स होते कौन है पहले तो ये समझते हैं देखिए जब भी मैं बात करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग की या फिर जनरल बिजनेस की तो जो की पर हम रैंक करना चाहते हैं जिन वर्ड्स पर हम चाहते हैं कि जब भी कोई ये पर्सन वर्ड सर्च करे गूगल पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो हमारा बिजनेस दिखे ठीक है तो उन वर्ड्स पर उन फ्रेजेस पर ऑलरेडी जो रैंक कर रहे हैं बिजनेसेस जो ऑलरेडी बिजनेस शो हो रहे हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और आई सर्व इन राजस्थान ओनली ठीक है तो जब भी कोई पर्सन राजस्थान में फर्नीचर रिलेटेड कुछ भी सर्च करता है ठीक है बेस्ट फर्नीचर शॉप नियर मी बेस्ट फर्नीचर शॉप इन राजस्थान या फिर सो so ऑन तो उस टाइम जो रैंक करते हैं क्योंकि अभी मेरा बिजनेस तो रैंक नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे ऑप्टिमाइज करना है इसको लेकिन जो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं बिजनेसेस वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हुए ठीक है तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है अपना कॉम्पिटिटर ढूंढना है और उस कॉम्पिटिटर की हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल की कैटेगरी देखेंगे सो आई होप यू आर द वीडियो लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस डायनेमिक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने करियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें डब्ल्यू एस क्यूबेक का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस्ड बैच इन बैचेस में आप सीखेंगे प्रोफेशनल प्रैक्टिकल एंड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग अ वैलिड सर्टिफिकेशन जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है इन बैचेस में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस विथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इसी के साथ साथ काफी सारे पेड टूल्स का एक्सेस भी आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स उसी के साथ डाउट सेशन एंड मेनी मोर थिंग्स तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्दी कनेक्ट करेगी चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं तो अब इसके लिए आपको आ जाना है गूगल पर नॉर्मली गूगल पर आपको आना है एंड अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई एक दो की आपको टाइप करने हैं ठीक है जैसे मैंने की टाइप किया कैफे इन डेली ठीक है तो उसके बाद में आप देखोगे तो ये मैप ओपन हो गया ये प्लेसेज मतलब जो मेरे लोकल लिस्टिंग है वो यहाँ पर आ गई तो कैफे डेली हाइट्स सम्बूकाज कैफे त्रिवेणी टेरिस कैफे तो मैं ये फर्स्ट वाला जो बिजनेस है मैं इसको इस तरह से ओपन करती हूँ तो अब यहाँ पर ये जो मेरा बिजनेस आ चुका है कैफे डेली हाइट तो इसके यहाँ पर देखिए इधर ये रिव्यूज लिखे हुए हैं और इधर यहाँ पर ये कैटेगरी लिखी हुई है दैट इज कैफे ठीक है उसके अलावा जैसे मान लो ये वाला एक बिजनेस है इसको मैंने ओपन किया तो ये देखो ये यहाँ पर कैटेगरी आ गई दिस वन जिसको भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा सा जूम कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट बेटर तो ये हमारी कैटेगरी है कैफे चलिए एक काम करते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाए अब जैसे मैंने की टाइप किया फर्नीचर शॉप इन बेंगलोर तो आप देखोगे काफी सारे बिजनेसेस आ गए फर्स्ट वाले ये जो बिजनेस है इसको मैं ओपन करती हूँ और अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए कैटेगरी आ गई दैट इज फर्नीचर स्टोर ठीक है इन बैगलोर जो है वो ऑटोमेटिकली आया है हमारी लोकेशन से लेकिन फर्नीचर स्टोर इज द कैटेगरी ये वाला एक और हम ये देख लेते हैं तो फर्नीचर होलसेलर इन्होंने हम कैटेगरी सेलेक्ट की है ये वाला देख लेते हैं तो फर्नीचर स्टोर इन्होंने सेलेक्ट किया है कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि स्कूल इन डेली मैंने सर्च किया तो अब यहाँ पर ये देखिए स्कूल्स आए हैं तो कैटेगरी अब आपको कहाँ दिखेगी ये देखिए नेम के जस्ट पास में प्ले स्कूल यहाँ पर स्कूल कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है उसी के अलावा यहाँ पर देखोगे सब स्कूल कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे प्री स्कूल सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर ये यह कैटेगरी आ रही है कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं चलिए मैंने कीव टाइप किया वेब डेवलपमेंट कंपनी इन मुंबई तो अब यहाँ पर देखिए काफी सारे यहाँ पे बिजनेसेस आ रहे हैं तो अब कैटेगरी इनके क्या है डिजाइन एजेंसी डिजाइन एजेंसी इन मुंबई उसके अलावा ये वाला जो बिजनेस है इसने सेलेक्ट किया हुआ वेबसाइट डिजाइनर ये वाला जो बिजनेस है इसने भी वेबसाइट डिजाइनर सेलेक्ट किया हुआ है Then ये वाला जो बिजनेस इसने भी वेबसाइट डिज़ाइनर किया हुआ है तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने जो कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है आप भी उससे मिलती जुलती जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करें अपने बिजनेस के लिए और वाई लिस्टिंग योर बिजनेस ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल अदरवाइज कंप्लीट हमारा लोकल एस का कोर्स चल रहा है एकदम फ्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा सारी वीडियोज देखो एक भी वीडियो मिस मत करना तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक कीप लर्निंग